अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बहुत ही सीनियर अदाकार के बारे में, जिनका शुमार पाकिस्तान टेलीविजन की पदाई से भी पहले होता है। टेलीविजन से पहले आप रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता थी, और जब पाकिस्तान में टेलीविजन के दौर का आगाज हुआ तो आप टीवी के साथ मुंसलिक हो गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सीनियर तरीन अदाकारा ज़हीन ताहिरा की। आज हम ज़हीन ताहिरा के मुतालिक आपको मुकम्मल मालूम देंगे कि वो कैसे शोबिज में आई, आपकी फैमिली के बारे में और मौजूदा हालात के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिल सके। बगैर वक्त जाया किए वीडियो की जानिब आते हैं। ज़हीन ताहिरा, जिनका असल नाम भी यही है लेकिन आपको ताहिरा आपा के नाम से पुकारा जाता है। ताहिरा आपा 1946 को ब्रिटिश राज में मुतहिदा हिंदुस्तान के जिला लखनऊ में पैदा हुई। क्या मैं पाकिस्तान के वक्त आप अपनी फैमिली के हमरा हिजरत करके पाकिस्तान आ गई और यहां आकर कराची में सुकूनत अख्तियार की। आपने अपने कैरियर का आगाज 60 की दहाई की शुरुआत में रेडियो पाकिस्तान से किया और तकरीबन 10 सालों तक रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रही। आपको गुलूकारी का शुरू से ही बहुत शौक था और आप बहुत अच्छा गा भी लेती हैं। आप पंजाबी और पश्तो जुबान में भी बहुत अच्छे गाने गाती हैं, लेकिन आप गुलूकारा बनने के बजाय अदाकारा बन गई। 60 की दहाई की आखिर में नावल निगार शौकत सदीकी का लिखा हुआ एक ड्रामा जिसका नाम था खुदा की बस्ती, इसमें आपने लीडिंग रोल अदा किया। मस्कुरा ड्रामे को पाकिस्तान की तारीख का सबसे अच्छा और मशहूर ड्रामा माना जाता है। फिर ऐसा सिलसिला चला कि ताहिरा आपा ने बेशुमार बल्कि सैकड़ों ड्रामों में अदाकारी की। आपके चंद मशहूर ड्रामों के नाम है हजी अकबर, टीवी सीरियल मंजिल, दिल दहलीज, अनोखा बंधन, नूरपुर की रानी, जीना इसी का नाम है, मंडोरामा कमरा नंबर 17, चांदनी रातें, शम्मा, कैसी हैं दूरियां, मासी और मलिका, आदम हव्वा और शेता, दस्तक, देश परदेश, मेरे कातल मेरे दिलदार, हरजाई, निखर गए गुलाब सारे, उम्मे कलसूम, आधा चेहरा, जरबे तकसीम, नूरजहां, हीर, मरासिम, बब्बन खाला की बेटियां, और आखिरी ड्रामे का नाम है बर्फी लड्डू, जो अब भी एयरवे टेलीविजन पर ऑन एयर है। ताहिरा आपा की कामयाबियों का सिलसिला आज तक जारी है। आपने मजमुई तौर पर 700 के करीब टीवी ड्रामों में अदाकारी की। मौजूदा दौर में आपकी अदाकारी ज्यादातर माँ और सास के कैरेक्टर के गिर्द ही घूमती है। ताहिरा आपा के माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों के नाम है कामरान खान और साकिब खान, और बेटी का नाम है नाइला खालिद। ताहिरा आपा ने 1 सीरियल और 2 ड्रामे डायरेक्ट भी किए, लेकिन ताहिरा आपा का कहना था कि एक्टिंग डायरेक्शन से आसान काम है। इस वक्त ताहिरा आपा की उम्र तकरीबन 73 बरस है। इसी महीने 2 दिन पहले 23/2019 को ताहिरा आपा को हार्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से आपको फौरी आगा खान हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, लेकिन इस वक्त भी आपकी हालत खतरे में है क्योंकि आपको वेंटिलेटर पर रखा गया है। ताहिरा आपा के लिए साथी अदाकारों और उनके बच्चों ने तमाम चाहने वालों से अपील की है कि उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। इस वीडियो के जरिए हमारी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज ज़हीन ताहिरा आपा की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक हमारी इस लेजेंडरी अदाकारा को जल्द सेहतयाब करे। दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान